भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर की इंटेलिजेंस शाखा की गोपनीय सूचना के आधार पर 3 अधिकारियों के विरुद्ध आय से ज्यादा परिसंपत्तियों को अर्जित करने के 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्यवाही नंबर 1, निर्मल कुमार गोयल अधिशाषी अभियंता जयपुर विकास प्राधिकरण जोन मानसरोवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनके आवास पर छापेमारी की गई। प्रथम दृष्टि से गोयल के द्वारा अपने सेवा काल में खर्च और परिसंपत्तियों में 6 करोड़ का निवेश करना पाया गया, जो उनकी आय का लगभग 1450% होना पाया गया। विदेशी रक्स, महंगी शराब की 23 बोतलें, $2,000, €245 विदेशी मुद्रा, ₹2,27,790 नगद, 2 कार स्विफ्ट और मर्सिडीज, 1100 गज के 2 प्लॉट, दीग भरतपुर में 1 हवेली की काजल, 2 लॉकर चाबी, 318 ग्राम सोना, 3 किलो 50 ग्राम चांदी बरामद किए गए। गोयल के दूसरे आवास रजत पथ मानसरोवर पर 1,60,000 नकद, 323 ग्राम सोना, 4 किलो 400 ग्राम चांदी, 1 मर्सिडीज कार, 1 बोलेरो कैंपर, विदेशी पेड़ पौधे और JDA जयपुर ऑफिस के हिसाब किताब की डायरिया बरामद हुई। कार्यवाही नंबर 2, प्रदीप कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक सूरसागर जिला जोधपुर। प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा अपने सेवा काल में खर्चे में परिसंपत्तियों में 4,43,00,000 का निवेश करना पाया गया, जो उनकी वैध आय से 333% ज्यादा है। जोधपुर में 10 बीघा जमीन, 3 बस, 22,000 वर्ग फुट का प्लॉट जिसमें निर्माण और फर्नीचर कार्य, भोपाल गर्मी क्रेशर हेतु जमीन खरीद के दस्तावेज बरामद किए। कार्यवाही नंबर 3, मनीष कुमार शर्मा जिला परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध अपने सेवा काल में खर्च और परिसंपत्तियों पर 1,84,00,000 का निवेश करना पाया गया, जो उनकी वैध आय से 232% ज्यादा है। मनीष कुमार शर्मा के 6 अन्य ठिकानों पर ACB की टीम द्वारा संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।